हाँ जी बाबा, राधा कृष्ण की जन्म है, राधा कृष्ण की जन्म ब्रह्मा सरस्वती की स्त्री जन्म है, आश्चर्यों के बीच आठ के बीच में बता रहे आठ के बीच में ब्रह्मा का जन्म आठ के बीच में होता है। तो आप संगम जी की दृष्टि ला रहे हैं तो सबसे लक्ष्मण जो है ब्रह्मा सरस्वती उनको स्थूल जन्म देता है ना। हाँ जी स्थूल जन्म, स्थूल जन्म देता है ना, माना वाइब्रेशन की पावर से। हाँ जी इस समय आठ ही रहेगा ना, उसका जन्म आठ के बीच में होगा ना, अष्टदेव के बीच में। हाँ हाँ परिवार वालों के बीच में ही पहले जन्म पता चलता है। मैंने खास एक मुझे तो बोला खास आठ आठ अष्टदेव के बीच में हो रहा जो परिवार के भांति है उनको ही पहले बच्चे का जन्म का पता चलता है। हाँ मतलब के बीच उनका जन्म होता है, जो भी परिवार के भांति होंगे, परिवार के भांति तो थोड़े ही होते हैं, सारी दुनिया थोड़े ही होती है, पूरा गांव के लोग थोड़े ही होते हैं। और मतलब निश्चित कितना संख्या की बात है, एक मुरली में बोला है आठ के बीच में। हाँ तो मुरली में बोला है तो उसको क्रॉस कैसे करेंगे। अच्छा मतलब ये आठ के बीच का माना तो आठ अष्टदेव सूर्य वंश है और वहां से जो विजय माना से आठ बना है, मतलब जरूर 16 आत्मा के बीच में होना है ना। पहले नजदीक का मनन चिंतन मंथन करना है या दूर सतयुग का करना है। सब ज्ञान की बात है, ज्ञान की बातें संगम में है या सतयुग में होंगी। तो सच्ची की ज्ञान भी संगम में होता है। हाँ जी जो संगम में होगा शूटिंग वो ही फिर कहाँ होगी, सतयुग में भी वैसा ही होगा। और बाप सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है, जब सर्वशक्तिमान की बात आ जाए माया थक गई है, ये बात आई ना, माया थक गई है और धरती से हाथ मिला है और बहुत फोर्स से आता है, सर्वशक्तिमान की बात आ रहा है, थकवाने की जरूरत क्या है, मतलब क्या है, बाप कभी तक नहीं होते क्योंकि बाप सर्वशक्तिमान है, ऐसा माया भी सर्वशक्तिमान है। बाप दो हैं, बेहद का बाप आत्माओं का और बेहद का बाप मनुष्यों का, कौन थकता है और कौन नहीं थकता है। आत्माओं का बाप नहीं थकता है, जो आत्माओं का बाप है वो नहीं थकता है और जो मनुष्यों का बाप है वो थकता है, तो लड़ाई किसके बीच में है। थकने वाले के बीच में होती है, थकने वाले के बीच में लड़ाई है, माया भी थकने वाली है तो मनुष्य सृष्टि का बाप भी थकने वाला है, परंतु उसमें सुप्रीम सोल है, उसमें सुप्रीम सोल तक प्रवेश है, सदैव आत्म की स्थिति वाला, इसलिए अंतर पड़ जाता है, माया में तो प्रवेश नहीं है, मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश है। तो आखिरी अंत तक ताकत किसको मिलेगी, उसी को ताकत मिलती है, इसलिए कहा गया कि माया थक चुकी है लड़ते लड़ते, आखिरी तुम बच्चों की विजय हो ही जाएगी, तो थकेगी तब विजय होगी या पहले ही हो जाएगी। कोई का आखिरी पहले होता है, कोई का आखिरी बाद में होगा, नंबर वार रिजल्ट निकलते जाते हैं। बाबा निराकार और साकार मिलकर ही बाबा कहते हैं,
निराकार और साकार की मेरे को ही बाबा कहते हैं, कई बार बोला है बाबा। हाँ जी, बाबा के आश्रम से पाप रखे आते हैं, पाप का पाप सारे पाप जो जो 63 जन्म में जो पाप है वो सब कट जाती है बस को। लेकिन वो शिव बाबा का अक्षत मीठा है, उसको बोला है बाबा ने, शिव बाबा की अक्षत मीठा है, भले शिव बाबा की शब्द जो है अक्षर शिव बाबा वो अक्षत बहुत मीठा है, ये भी बोला है। लेकिन कई बार बाबा ने बोलते नहीं, बाप हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, बाबा नहीं बोला, कभी नहीं बोला हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, मदद भी साकार द्वारा ही होना है, मदद जो है बिंदी थोड़े ही फुदक फुदक के मदद करेगी, क्या बिंदी फुदक फुदक के मदद करेगी क्या, कि कोई साकार तन के द्वारा करेगी। अब सब बाबा कह रहे हैं ना, तो बाप कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद है बाप, और मदद भी साकार द्वारा ही होती है, साकार बिना साकार कुछ नहीं करता है। तो इसलिए बाप ऐसे बोल रहे ना, बाप हिम्मत बच्चे मदद है बाप, और अपने का आत्मा समझ कर बाप को याद करो, बाप भी साकार द्वारा ही याद कर रहे हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, बाप को याद करो, वो भी कई बार आए हो, बाप को याद करो, वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, मनुष्य सृष्टि का बाप याद करो, वो भी बाप है। हाँ। तो सब तो बाबा की मतलब बाप बाप बोला ना, हमें क्या क्या मान गए इसमें, यही राज है कि निराकार भी याद आए और साकार भी याद आए, बाप में दोनों आते हैं बाबा। बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो बाप वेद का बाप ही तब है जब उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश है, अगर प्रवेश न हो वो बाप तो किसी को पता भी न चले कि वो वेद का बाप है। मेरा मेरा विचार यही है तो इस साकार से मना तो इस सृष्टि में सदा बोला सचिव देता है तो जैसा सदा भैया होती है, लेकिन द्वापर में जिस साकार बाप से जिस संबंध में आत्मा इनको जास्ती क्या अनुभव होती है, वो उस संबंध में बुलाने के लिए दिल कहती है ना, तो बाप बाप ऐसे ऐसे मन कहते हैं ना, बाप बाप है हमारा बाप बाप। तो द्वापर की तो बात ही नहीं, वहाँ तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो रहना बाबा, यहाँ जानते हैं, जिनको पहचान दी जाती है वो ही जानते हैं, तो वो वहाँ रिफ्लेक्ट होता है ना। द्वापर युग में तो कोई जानते ही नहीं, पहचान देने वाला है ही नहीं, लेकिन जाति संबंध साकार द्वारा वो संबंध की अनुभूति पाई ना, वो पाएंगे भी वो ही जिन्होंने संगम युग में प्रैक्टिकल शूटिंग की है, जिन्होंने संगम युग में प्यार की शूटिंग ही नहीं की है प्रैक्टिकल में, वो कैसे पावेंगे। लेकिन दिल ऐसे कह रहे बाप बाप बुलाने में बहुत अनुभव होती है क्योंकि वो अनुभव जो है वो शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के अनुभव होता है। हाँ, तो साकार शरीर और निराकार बाप तो अनुभव है, तो बाप बाप बुलाने लेकिन तो मना तो नहीं करते हैं ना बाबा। जब दो बार बाप कहेंगे तो एक निराकार हो गया, एक साकार हो गया, बाप बाप दो बार बुलाने बाबा एक बार बुलाना अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन बाप जो है वो मीठा शब्द नहीं है, उसके मुकाबले बाबा के मुकाबले बाप मीठा है या बाबा मीठा है। लेकिन तो हमारे दिल में तो लेकिन नहीं, एक बात का जवाब दो, तो बाबा ने तो बाबा के मुकाबले बाप शब्द मीठा है या कड़वा है। मुझे तो बाप ही शब्द ही मीठा लग रहा है बाबा। प्रैक्टिकल प्रूफ भी देते हैं, बाप अपना वर्षा दे या ना दे, लेकिन बाबा का वर्षा जरूर मिलता है, तो कौन मीठा हुआ है, बाबा ही मीठा हुआ।
इतना मीठा तो और कोई हो ही नहीं सकता। बाप तो लात मार देगा, घर में से बाहर निकाल देगा, फारकती दे देगा, अखबार में निकाल देगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार मुरली अपने बाप की शर्तें आती है। मुरलियों में तो सब कुछ आता है, बाप भी आता है, पाप भी आता है। मुरलियों की बात छोड़ दो, मुरली में जो बात अभी चल रही है कि प्यारा शब्द कौन सा है, क्योंकि जो प्यारा होता है वो जास्ती याद आता है और जो कड़वा होता है वो याद नहीं आता है। तो बाप शब्द बाबा के मुकाबले कड़वा कहेंगे, मुंह कड़वा हो जाता है जिसे बच्चे को भरसा नहीं मिलता। बच्चा बाप से फारकती लेकर के दूर चला जाता है तो उसका मन कड़वा होगा या मीठा होगा? क्या होगा? कड़वा हो जाएगा। और हाँ सुनो, बच्चों से माया दफन कराती है तो खुद वो नहीं करती है, लेकिन उनसे माया कराती है, एक बार से भाव नहीं करती। तो सूर्यवंशी बच्चों से ही नहीं, सबसे कराती है, सभी बच्चों से पाप कराती है। वो तो दांव पेच ऐसे मारती है कि जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं उनसे भी कराती है। सूर्यवंशी नहीं करना चाहते हैं? सूर्यवंशी भी नहीं करना चाहते हैं, चंद्रवंशी करना चाहते हैं क्या? वो भी नहीं करना चाहते। जो चंद्रवंशी हैं उनमें जास्ती प्योरिटी है या सूर्यवंशियों में जास्ती प्योरिटी है? है चंद्रवंशियों में जास्ती प्योरिटी है। तो जिसमें जो आत्मा पवित्र होती है वो पवित्र आत्मा तो पाप कर्म करना ही नहीं चाहती, तो भी माया उनसे कराती है। मतलब सूर्यवंशी चाहते हैं क्या? है सूर्यवंशी चाहते हैं क्या? सूर्यवंशियों की तो आदत पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की। रुद्रमाला के मणके हैं, जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, विकारी बनने की आदत है, इसलिए वो आदत मजबूर कर देती है पाप कर्म करने के लिए। माया तो बाद में मजबूर करती है, इसलिए कहते हैं जन्म जन्म को पापी। और गांधी माना इससे डरता है, माना काम के आधार पर नाम है, जो इस बेहद की दुनिया में ब्राह्मण की दुनिया में गांधी जो ब्रह्मात्मा है इससे कौन सी गंध निकम है? बाप को नहीं जानते, सबसे बड़ी गंध तो ये है। तुम बच्चों में विशेषता क्या है? बाप की पहचान। तुम बाप को पहचानते हो और वो नहीं पहचान, वो बाप को नहीं जानते तो थोड़ी गंध है क्या? ये सबसे बड़ा गुण है तुम बच्चों का, सबसे बड़ी खुशबू है तुम बच्चों की कि तुम बाप को जानते हो और वो नहीं जानते। वो दूसरे धर्म वाले जो है वो बाप को नहीं जानते। लेकिन बाबू एक तरफ गुरु की गंध है ना उसमें, गंध है ना, धारणा वाला है, धर्म वाली अपना तो धारणा वाली है, गंध है धारणा। सहन शक्ति की जो धारणा है ब्रह्मा में, जिस धारणा से स्थापना होती है नई दुनिया की, नई दुनिया का संगठन बनता है, वो धारणा पिछले 63 जन्मों में क्यों नहीं करके दिखा दी? उस आत्मा में सहन शक्ति की धारणा है, क्योंकि चंद्रवंशी आत्मा है, स्वयं चंद्रमा है,
तो पूर्व जन्मों में भी वो धारणा दिखाई पड़नी चाहिए, क्यों नहीं दिखा दी? सुप्रीम सौ ने बात बजे। हाँ जी, बच्चे अपने ऊपर ले लेते हैं। शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, मैं ही शिव हूँ, स्थापना करने वाला, पालना करने वाला, विनाश करने वाला। वो एक तरफ वो हिरण्य कश्यप हो गए ना बाबा, वो ब्रह्मा हिरण्य कश्यप हो गए हैं। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। और हाँ जी, ज्ञान में उनको कोई एक क्रॉस नहीं कर सकते, ज्ञान में ज्ञानप्पा सरस्वती है। वाचा के आधार पर ज्ञान में जगदम्बा को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसलिए उनको ज्ञान देवी, ज्ञान की देवी का महिमा है, मन गाय नाम है जगदम्बा सरस्वती। और जो वो तो ज्ञान में कहने में मुक्ति का है जय नमः सरस्वती, और याद में सबसे बड़ी ठीक है, मतलब बाप के बाद जो दूसरी नंबर है अष्टदेव में काशी, जिसमें याद की केस ज्यादा है, उसको बाबा ने योग नहीं कहा है ना जी। तो ये जगदम्बा सरस्वती ज्ञान में टीका है, वो काशी माना जो अनुसुया जिसको बाबा ने बैठ दिया है वो याद में ठीक है। याद माने क्या होता है? याद माने बाप याद है बाबा। याद माने प्यार, जहाँ ज्यादा प्यार होता है वो ऑटोमेटिक याद आता है, निरंतर याद आता है, न चाहने पर भी जो प्यारा होता है वो याद आता है। तो याद माने प्यार, तो याद में वो ठीक है, याद में ये ठीक है। हाँ जी, ज्यादा ताकतवर माल कौन सा है? याद ही ज्यादा पावरफुल है, याद के बल पर विश्व की बात सही ली जा सकती है, कहा भी जाता है काशी विश्वनाथ गंगे, जब काशी का नाम आएगा तो साथ में विश्वनाथ का भी नाम आएगा, ये याद की शक्ति से ही जुड़े हुए हैं। ज्ञान को पावर नहीं कहा जाता है, ज्ञान बल है, लेकिन वो बल नहीं है जो याद में है। ज्ञान तो और चर्ची कला तेरे खाते सर्व का बनाए, ये बात आती है मना कला की, जब कला की बात आती है वो चंद्रमा के लागू होती है, सूर्य को नहीं लागू होती। चलती कला तेरे बहाने सर्व का भला, तो चंद्रमा जो है वो तो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा को सोलह कला संपूर्ण में से मिसाल दी जाती है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, जो नारायण है वो ही कृष्ण है, वो ही वसुदेव का पुत्र है। तो चढ़ती कला माना किसके लिए, खास किसके लिए लागू होता है? चढ़ती कला जो ब्रह्मा की आत्मा जिसके प्रवेश, ब्रह्मा के लिए लागू होता है। लेकिन उसको 2018 की बात है ना बाबा, जब अभी भी तो चढ़ती कला ही कहेंगे, पहाड़ पे जब चढ़ते हैं तो चढ़ते चढ़ते कभी कभी जोर से तूफान आता है,
तो कहीं शरण लेते हैं किसी गुफा की या किसी शिला की, तो उसे उतरना थोड़ा ही कहेंगे। लगातार चढ़ती कला है, उसकी चढ़ती कला से ही हम ब्राह्मणों का भला हो रहा है। तो लगातार चढ़ती कला 2018 से शुरू होती है। 2018 16 कला संपूर्ण बन जाएगा। हाँ जी, मतलब जब उनको रियलाइजेशन आता है तो गीता की भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, नहीं नहीं हो। हाँ जी, तभी चढ़ती कला संपूर्ण है। बाबा, संगम की आयु ज्यादा से ज्यादा 100 साल हो गई। हाँ जी, 100 साल। लेकिन राजधान स्थापन होने में 50-60 वर्ष लगती है। तो असली पढ़ाई शुरू हुआ 76 जब बाप की प्रति है, जबकि असली पढ़ाई जो है असली पढ़ाई 76 से शुरू हुआ। बाप का मृत्यु उससे 50 साल ऐड करने से 2036 आदमी है। 2036 50 साल पढ़ाई का 50 साल। तो राजधानी स्थापन होने में 50-60 मतलब 50-60 लगता है। तो 50 साल मतलब 2036 पढ़ाई जरूर होता है ना बाबा। तो उसके बाद लड़ाई होता है, पढ़ाई लड़ाई और फिर राजाई है ना बाबा। लड़ाई राजाई, ये है ना काम है ना। 25 से लेकर के वो 76 से लेकर के 18 तक कितने साल हुए? 16-17-18 तक 40 हो गए। 40 तो 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। किन के लिए? नहीं, ब्रह्मा तो 16 से 18 के बीच में ही बन जाता। बुद्धि में बैठ गया है गीता का भगवान कौन, तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु हो गया। बाकी और जो आत्माएं हैं, जो माला में आने वाली हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रही हैं, जो भी हो, विजय माला में हो, रुद्र माला में हो, राज परिवार में हो, उन सब की पढ़ाई चल रही है। ऐसे नहीं रुद्रमाला वालों की ही पढ़ाई चल रही है। रुद्रमाला की भी पढ़ाई है तो विजयमाला की भी पढ़ाई है। जो भी 16108 की लिस्ट में आने वाले हैं, उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 10 साल का टाइम है, 50 तक। अब राजाएं जब सतो प्रधान बन जाए तो नंबर किसका लगे? राजा तो उसके बाद तो प्रजा का नंबर लगे। तो जो अगले 10 साल रह जाते हैं उसमें प्रजा वर्ग की जो भी आत्माएं हैं, 9 लाख 4.5 लाख, उनको भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम चाहिए। क्योंकि पहले जन्म की जो प्रजा होती है उसकी भी कोई खास खसूसियत है। क्या खसूसियत है? जो और धर्मों में और जन्मों की प्रजा में नहीं होती है। नहीं, हाँ वो तो है ही। वो खसूसियत है यथा राजा तथा प्रजा। राजा विश्व का मालिक है तो प्रजा भी अपने को क्या समझेगी? राजा नहीं, विश्व का मालिक समझेगी। जैसे परिवार में बाप होता है, बच्चा भी होता है। बाप कहेगा इस कारखाने का, इस दुकान का मालिक मैं हूँ, तो बच्चा भी क्या कहेगा?
उसकी बुद्धि में से ये बात निकाली जा सकती है कि तू मालिक नहीं है? निकल सकती है? नहीं निकल सकती। दूसरे लोग भी क्या समझते हैं, मालिक है या नहीं है? सबकी बुद्धि में बैठता है ये मालिक है। ऐसा प्यार बाप का बच्चे के प्रति होता है, जैसा पहले जन्म का प्यार है प्रजा के प्रति राजा का, वो प्यार अंतिम जन्म में आज देखने में नहीं आता है। राजाओं का जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो अपनी जेबें भर रहे हैं और प्रजा गरीब से गरीब बनती जा रही है, वो साहूकार बनते जा रहे हैं। तो नहीं कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा। तो पहले किसके की उद्धार होने से बाद ही पहले रुद्र माला की और उदय माला की उद्धार होगी। साढ़े चार लाख में सारा विश्व समाया हुआ है, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। वो 9 लाख बीज हैं, और द्वापर में द्वापर से गैस की सी गैस की दो जन्म पुरुष का यानी स्त्री का दो जन्म मिलता है और उसके बाद 14 बदन से आना माना। मतलब दो जन्म पुरुष यानी दो जन्म स्त्री आना माना। तो अंतिम समय में जो पुरुष स्त्री की टोला को याद करती है, ऐसी स्त्री भी पुरुष का टोला को याद करती है, तब जरूर शरीर शरीर बदलेगा ना बाबा? तो जन्म दो जन्म कैसा होगा? द्वापर युग से हर जन्म में ऐसा ही होता है। द्वापर से क्यों? सतयुग के आदि से ही ऐसा होता है कि स्त्री पुरुष को याद करती है तो पुरुष जन्म मिलता, पुरुष स्त्री को याद करता है तो स्त्री जन्म मिलता। द्वापर युग से द्वैत आ जाता है। द्वैत आने के कारण ये अंतर पड़ जाता है कि बहुत सी आत्माओं को दो जन्म स्त्री या दो जन्म पुरुष के मिल सकते हैं। वो तो कैसे बाबा, क्योंकि अंतिम की याद माना, वो अंतिम याद जो होती है उसके अनुसार ही थोड़ा देता है। अंतिम तो संगम युग है, संगम युग में जैसी जैसी शूटिंग की है, जैसे जैसे संकल्पों का सृष्टि बनाई है वैसा ही होगा। नितिन का मतलब मेरा मतलब यही है बाबा, शरीर छोड़ने के बाबर से शरीर छोड़ने के समय में तो सहज पुरुष स्त्री को याद करते हैं, स्त्री पुरुष को याद करते हैं, तब दो जन्म मिलने की क्या संभावना? यही है कि संगम युग में कोई कोई आत्माओं ने ऐसा संकल्प चलाया है कि हमें तो स्त्री चोला ही चाहिए, ये दुर्योधन दुशासन नहीं चाहिए। बीज यहाँ पड़ता है तो बीज पड़ जाता है, संगम में ही संकल्पों का बीज पड़ता है। हम अपनी अपनी सृष्टि अपने आप बनाए रहे हैं। सबसे जास्ती स्त्री चोले कौन लेगी आत्मा? लक्ष्मी आत्मा, लक्ष्मी। लक्ष्मी को प्योरिटी प्यारी है तो ज्यादा प्योरिटी प्यारी होने के कारण वो कौन से जन्म ज्यादा लेना चाहेगी? स्त्री चोला ज्यादा लेना चाहेगी। हाँ जी, नारायण वाली आत्मा भी मतलब लेडीज बनती है? नारायण वाली आत्मा भी लेडीज का जन्म लेती है? तो ऐसी पूछा, नारायण वाली आत्मा लेडीज का जन्म ही नहीं लेगी? आप
आपने बोला ना एक जन्म स्त्री। हाँ, एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष, ये क्रम तो चलता है सत्ययुग त्रेता में। और द्वापर युग में द्वैतवाद शुरू होने से कोई कोई आत्माओं के दो दो जन्म लगातार भी होते हैं। बाबा लेकिन वो तो सारे संसार का बाप है, उसको तो नहीं लेना चाहिए। क्यों, सारे संसार का बाप है क्या? खाता पीता नहीं है कि सोता नहीं है? है सारे संसार की जो गति है, जो चाल है, वो उस बीज के अंदर समाई हुई है या नहीं है? है? अरे भगवान नीचे वाला है या भगवान ऊपर वाला है? लेकिन भगवान का बच्चा तो भगवान ही होता है। ये क्या बात हुई, भगवान का बच्चा भगवान होता है, फिर उसका बच्चा भगवान होता है, फिर उसका बच्चा भगवान होता है, फिर तो 84 जन्म भगवान ही भगवान होते रहेंगे। भगवान एक होता है या दो होते हैं या अनेक होते हैं? भगवान तो एक ही होगा। और सृष्टि को जो संभालने के लिए वो कार्य करते हैं, हाँ जी बाबा। हाँ, जो सूर्य वंश ने जो 12 महीने लगा, 12 अष्टदेव और नष्टदेव जो 4 अपने, हाँ, उसको माना क्रम में सनातन देवी देवता धर्म की बीज है बाप और इस्लाम धर्म की बीज है भारत, माना नष्टदेव में एक है, और क्रिश्चियन जो बौद्ध धर्म की तो लक्षण हो गया और क्रिश्चियन धर्म तो शत्रुघ्न हो गया। हाँ जी, वो उसके बाद इस्लाम की ही 12 गुप्त होती है ना बाबा, इस्लाम की बीज, वो बीज में ये बीज में क्या अंतर है? ये बीज है सूर्यवंशी टोटल अष्टदेव में से, और वो बीज है वो टोटल इस्लामी है। मतलब उसको सूक्ष्म बीज कह सकते हैं? नहीं, सूक्ष्म बीज तो ऊपर से ही आता है। मतलब धर्म पिता होते हैं? ऊपर से आने वाले धर्म पिता होते हैं? ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं, वो सूक्ष्म बीज तो हैं, लेकिन उनका भी बीज डालने वाला कोई है साकार सृष्टि में? वो होता ही ना। हाँ जी, जैसे सिद्धार्थ शुद्धोधन और बिंदुसार। हाँ जी, माना शुद्धोधन जो आत्मा है, माना सूर्य वंश में जो नक्षत्र में आते हैं ना, वो होता ही ना माना? नहीं, सूर्यवंश कहाँ हुए? सूर्यवंश तो 8 हैं। 8 अंश, लेकिन 12 ग्रुप है ना, तो 12 हैं, लेकिन 12 में भी 4 तो नष्ट देव हैं। लेकिन वो भी सूर्यवंश में आते हैं? वो भी सूर्यवंश में हैं, लेकिन भिन्न हैं। वो देव नहीं है, वो दानव हैं। हाँ जी, कहा है बाबा? हाँ, जितना जितना हम याद करेंगे उतना उतना हम पावर बनेंगे, मतलब है जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना उतना पावर बनेंगे, पावर बनेंगे, पावर बनेंगे। मतलब कई बार बोलते हैं, लेकिन खास ये बोला है योग की स्नान समझना है, लेकिन ज्ञान की स्नान नहीं समझना है। योग का स्नान समझना है, ये बात आए बाबा 3 दिन के पहले, ये कह सकते हैं? जो भी कैसे है, जो भी मुरली है, जो भी बाबा की वाणी है, दो बातें नहीं बोलती है, एक बात बोलेगी या दो बातें बोलेगी? एक ही बात बोलेगी। तो मुरली में बोला है ज्ञान को जल, स्नान जल से किया जाता है या भोजन से किया जाता है? भोजन से, भोजन से ताकत मिलती है, लेकिन जल से भोजन पचाया जाता है।
लेकिन ब्राह्मण तो ये बीसीडी का नंबर 1262 है। वो जो गलतियाँ हुई हैं वो मनुष्यों से छापने की गलतियाँ हो सकती है, उनके मत भ्रम की गलतियाँ हो सकती है, लेकिन जहाँ 20 बार एक ही बात बाबा ने बोली है वो मानेंगे, या एक आध बार उल्टी बात आ गई वो पकड़ लेंगे। योग है खाना भोजन, भोजन से शक्ति मिलती है और उसको पचाने का साधन है जल। ये ज्ञान जल जो है भोजन को पचाने का साधन है, नहीं तो गर्मी चढ़ जाएगी पानी नहीं पिएंगे तो। जैसे विदेशियों को गर्मी चढ़ जाती है हाँ जी तो दक्षिण भारत की जो भाषा है, हाँ। उनको विदेशी भाषा कह देते हैं, उनकी बाप की भाषा है हिंदी, बाप की भाषा है तो हिंदी है ना। तो दक्षिण भारत में जो भाषा, अच्छा पंजाबी को विदेशी भाषा कहेंगे या स्वदेशी भाषा कहेंगे? पंजाबी माना वो तो भी विदेश होते हैं, बिना हिंदी सब विदेश की भाषा होते हैं। पंजाबी स्वदेशी है या विदेशी है? ज्ञान के रूप में तो पंजाबी का स्वदेशी होता है, पंजाबी माना स्वदेशी है ना। वो सिख लोग है जो साहेब जी ने तो उस हिसाब से वो स्वदेशी, इसमें हिंदी बोलते हैं ना। ऐसे ही नेपाली स्वदेशी है या विदेशी है? नेपाली याद नहीं, नेपाली याद ही नहीं, नेपाली की भाषा मुझे पता नहीं है, नेपाल देश ही पता नहीं है। देश पता है लेकिन उसका भाषा की तो समझने में नहीं है। उनकी भाषा अलग है, उनकी भाषा नेपाली अलग है, हिंदी नहीं है। लेकिन वो नेपाल भी भारत के अंदर था या नहीं था? हाँ, तो भाषा के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि ये स्वदेशी है या विदेशी है। जो स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं उनके आधार पर कहा जाता है स्वदेशी या विदेशी। और वो स्वभाव संस्कार माता पिता के खून से आते हैं ज्यादातर, माँ बाप के वंशानुगत हैं। जैसे परिवार में पलता है, जैसे वंश में पलता है, वो स्वभाव संस्कार बन जाते हैं। एक विदेशी भी, विदेशी भाषा जानने वाला भी स्वदेशी लोगों के मुकाबले अच्छी हिंदी बोल के दिखाता है। स्वदेशी लोग संस्कृत नहीं जानते हैं और वो संस्कृत में पारंगत होकर के दिखाता है विदेशी भाषा जानने वाला। इसे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि आत्मा स्वदेशी या विदेशी नहीं होती है। क्या कोई भी आत्मा स्वदेशी नहीं है, कोई भी आत्मा विदेशी नहीं है? क्योंकि आत्मा ने पता नहीं, जिसको आज हम विदेशी कहते हैं, दक्षिण भारत का कहते हैं, पता नहीं पूर्व जन्म सारे उन्होंने उत्तर भारत में लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। और बाबा
और अलग है। मुरली को लेखाती के घर पर है। हाँ बोलो। मुरली को पोइट्री कहा है। पोइट्री पोइट्री हाँ जी। और अनेक वाली जो ब्रह्म रूप से आती है तो उसको क्रॉस करना दोनों ऐसी काट करें तुम्हारा ट्रेस करने में क्या उससे क्या कोई मतलब नहीं बना। ज्यादा गोहियार्थ पोएट्री में होता है या प्रोज में होता है? बस बाबा की वाणी साधारण सुनने में ऐसे लगती है कि जैसे साधारण बात है, लेकिन जब उसके एक एक शब्द का हिज्जे हिज्जे किया जाता है तो बात में से बात निकलती है, बाल में से खाल निकलने लगता है। सारी दुनिया के रहस्य बाबा की वाणी से क्लियर होने लगते हैं। ऐसी कविता है, वो ही कविता तुलसीदास की, सूरदास की प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाई जाती है बेसिक में, और वो ही कविता बीएएमए में भी पढ़ाई जाती है। क्या अंतर हो जाता है? रहस्य का अंतर हो गया। बच्चा बुद्धि रहस्य को नहीं समझता, जो सगीर बुद्धि बन जाते हैं वो उसकी गहराई को समझने लग पड़ते हैं। तो पोएट्री जो बाबा की मुरली है उसमें गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम् भरा हुआ है। अव्यक्त वाणी में उतना ज्ञान नहीं भरा हुआ है। और ओम शांति है। लंबा चौड़ा है, छोटा सा प्रश्न हो इस एडवांस ज्ञान में आए लोग शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक भाई ने शरीर छोड़ दिया, उसके परिवार वाले कह रहे हैं ऐसे कैसे हो गया? परिवार वाले भी ज्ञान ले रहे हैं, हैं? हाँ, परिवार वाले ज्ञान ले रहे हैं। वो परिवार नहीं, ज्ञान में परिवार हैं? बाबा का परिवार। बाबा के परिवार वाले जो कह रहे हैं, उन्होंने ये बात नहीं पढ़ी बाबा की कि अगर भक्ति के संस्कार रह जावेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। अभी ही नहीं, अंत तक भी ये ज्ञान चलेगा, ये नियम अंत तक भी चलेगा। अगर भक्ति के संस्कार रहे हुए हैं तो कोई भी एडवांस में चलने वाला अपने को बताने वाला हो उसको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। एक पॉइंट याद रहता है और दूसरा पॉइंट भूल जाता है। जो परिवार वाले हैं, जिनको हम परिवार वाला कहते हैं, ब्राह्मण परिवार, वो पक्के 100% परिवार के हैं या 9 भागों में ब्राह्मण बटे हुए हैं? 9 शास्त्रों में भी ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं। जैसे 9 धर्म विशेष हैं,
उन नौ धर्मों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में ब्राह्मण जीवन में। तो यहाँ नौ प्रकार के ब्राह्मण हैं। कोई ऊंचते ऊंचे हैं और कोई नीचते नीचे हैं। जो ऊंचते ऊंचे हैं उनकी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। फिर उन दो कैटेगरीज में भी जो दूसरे नंबर की कैटेगरी है चंद्रवंशियों की, उसमें भक्ति भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है? उनमें भी भक्ति भरी हुई है। जो ऊंचते ऊंचे कैटेगरी के कहे जाते हैं देवता बनने वाले, वो भी शरीर छोड़ गए। उनका मुखिया भी शरीर छोड़ गया, उनके फॉलोअर्स भी शरीर छोड़ते जा रहे हैं। तो बाकी जो बचे और आठ कुरियों के या सात कुरियों के, तो उनका क्या हाल होगा? वो तो जरूर शरीर छोड़ेंगे। है मतलब पंक्ति जो सिर्फ आत्मा को याद करते रहे हैं, जो आत्मिक स्थिति में रहे वो नहीं छोड़ सकेंगे शरीर? यहाँ आत्मिक स्थिति की तो बात ही नहीं की अभी, यहाँ बात की खास भक्ति और ऐसे बताए ना, भक्ति के संस्कार जिनके अंदर रहेंगे। भक्ति के संस्कार मतलब भक्ति के संस्कार माने कहना कुछ और करना कुछ और, वो स्पष्ट दिखाई दे जाए दूसरों को। दो दो बातें जी, तो ये भक्ति के संस्कार हैं। भगत जो होते हैं उनकी बुद्धि भागती रहती है, एक ठिकाने पक्की नहीं लगती। जैसे एक शिव बाबा ही नहीं बोले, उनको भगत कहते हैं। आधा ज्ञान में चलेंगे आधा नहीं चलेंगे, दो बातें मुरली की मानेंगे दो बातें नहीं मानेंगे, सारी बातों को फॉलो नहीं करेंगे। कच्चे ब्राह्मण कह दो, मतलब मुरली के अनुसार जो चले बाबा वो है? जो मुरली के एक एक वर्ड के अनुसार चले तो वो कौन है, नाम बताओ। नहीं मैं मतलब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ तो बताओ ना, वो कौन है जो मुरली के एक एक शब्द के अनुसार चलने वाला है? नहीं आप बताओ, वो चले तो वो शरीर नहीं छोड़ेगा। अरे वो 4.5 लाख निकलेंगे अंत में, जो मुरली के अनुसार चलेंगे चलेंगे, वो शरीर नहीं छोड़ेंगे। बाकी 9 लाख में थे, 4.5 लाख को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। बाकी दुनिया को तो शरीर छोड़ना ही छोड़ना है। ओम शांति।